सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एक मजेदार वीडियो लेके आए हैं जो इंफॉर्मेशन से भरी है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंत तक मिलेगी। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें। जय हिंद, जय भारत। आप सबको मुबारकबाद, और आप सबको हमें भी मुबारकबाद देनी है कि 5G फाइनली लॉन्च हो गया है कश्मीर में। एलजी साहब ने ये स्टेटमेंट भी दे दिया है, तो आज ही वो मुबारक दिन है जब वो हुआ। और इससे डेफिनेटली क्या होगा कि इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस को बहुत ही बढ़ावा मिलेगा। एंड आजकल तो आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस, मोस्ट ऑफ द न्यू एज ऑन्टरप्रेन्योर्स आर इंटरनेट बेस्ड ऑन्टरप्रेन्योर्स, जो अपने प्रोडक्ट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज करते हैं एंड इवेंचुअली उससे पैसे बनाते हैं। सो फॉर देम, जब 5G की बात हो रही है तो डेफिनेटली वो प्रोपेगेंडा तो फेल ही हो गया पाकिस्तान का कि यहाँ पे इंटरनेट बंद किया जाता है, लोगों को काम नहीं किया जा दिया जाता। इनफैक्ट मैं पर्सनली बहुत ऐसे लोगों को जानती हूँ जो इंटरनेट ऑन्टरप्रेन्योर्स बन चुके हैं बहुत ही सक्सेसफुली। दे आर डूइंग वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स। आई नो अ गर्ल हु मैन्युफैक्चर्स चॉकलेट्स एट हर ओन होम। यू नो शी वेंट आउटसाइड कश्मीर टू लर्न द कोर्स एंड देन शी केम बैक, और अपने घर से करती। इसी एक जमाना था जब द ओनली बिजनेस दैट यूज टू हैपन वॉज थ्रू टूरिस्ट, एंड सिर्फ वो शॉपकीपर्स जिनके ना टूरिस्ट एरियाज में, जैसे डल लेक साइड पे, बुलेवार्ड रोड पे जिनकी दुकानें होती थी, वही यू नो असल मायने में धंधा कर रहे होते हैं एट अ बिग स्केल। लेकिन आजकल अब ये लड़की जो है जिसका मैंने जिक्र किया, ये तो निशात में रहती है, विच इज लाइक इन द इंटीरियर, लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट निशात गार्डन बट इनसाइड निशात एरिया, एंड इट्स नॉट इजी फॉर एनीवन टू रीच हर। येट शी इज डूइंग सो वेल बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। शी डिलीवर्स हर चॉकलेट्स एंड ऑल्सो शी सेल्स मोस्ट ऑफ हर बायर्स आर टूरिस्ट। सो टूरिस्ट आर ऑल्सो रीचिंग आउट टू सच काइंड ऑफ कश्मीरी ऑन्टरप्रेनोर्स हु आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स ऑन द इंटरनेट। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। एंड ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, इनफैक्ट इवन दोज आई नो पीपल हु आर सेलिंग ब्रांडेड कश्मीरी सैफरिन, लाइक वेरी हाई क्वालिटी कश्मीरी सैफरिन। आपको तो पता ही होगा, नेशनल सैफरिन मिशन के बारे में आपको पता होगा, 400 करोड़ गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए थे उसके लिए, जिसकी वजह से पिछले साल हाईएस्ट एवर ग्रोथ, सिर्फ हाईएस्ट फुटफॉल ऑफ टूरिस्ट नहीं हुआ था पिछले साल, द ईयर 2021-22 वाज आल्सो नोन फॉर द बेस्ट सैफरन ग्रोथ इन द वैली। सिंस 1996 वी हैड अबाउट 15 मेट्रिक टन्स ऑफ सैफरन ग्रो इन द वैली, ऑल थैंक्स टू एफर्ट्स बाय नेशनल सैफरन मिशन, द स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो है फिर कश्मीरी हनी, कश्मीरी फेरेंस, ये सारे प्रोडक्ट्स भी बेचते हुए बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। यू हैव कश्मीर बॉक्स एंड सच काइंड ऑफ kashmirika.com, जिसमें आपको कश्मीरी वॉलेट्स वगैरह, यू नो, वो सारी चीजें मिलेंगी। सो लॉट ऑफ थिंग्स, वट एवर पॉसिबल, कश्मीरी ऑन्टरप्रनर्स हैव स्टार्टेड सेलिंग दैट ऑन द इंटरनेट, एंड दैट इज डेफिनेटली अ सेफर बेट फॉर देम ऑल्सो। रीजन बींग की जैसे आपको पता है, हालात दहशतगर्दाना हरकतें अभी तक पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। सो इट इज डेफिनेटली सेफर फॉर देम टू डू बिजनेस वाया द इंटरनेट रादर देन हैव अ शॉप और रेंट आउट अ शॉप और अ प्रीमाइसेस। उससे ज्यादा तो यही ज्यादा सेफ है, एंड दे आर गोइंग ऑल आउट। इनफैक्ट आई ऑल्सो नो दैट दे हैव इवन स्टार्टेड मेनी इनोवेटिव काइंड ऑफ बिजनेसेस। दे हैव स्टार्टेड मेनी ऐसे बिजनेसेस जो पहले किसी ने किए नहीं। लाइक आई नो वन लेडी हु स्टार्टेड अपना खुद का फ्रोजन फूड्स ब्रांड। सो मेनी मेनी ब्यूटिफुल आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज आर कमिंग आउट, एंड चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं। देयर इज अ वेरी यंग एंटरप्रेन्योर हुज ओपन दिस पारसा चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स। आई पर्सनली डोंट लाइक हिज फूड बट इट्स वेरी सक्सेसफुल, पीपल ऑब्वियसली लाइक इट, दैट्स व्हाई हर एक शहर में लद्दाख तक पहुंच गया वो। तो माशाल्लाह द न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स ऑफ कश्मीर आर डूइंग वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स। दे आर कमिंग अप, मतलब यू नो, एंड दे आर शोइंग इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशन एंड फेथ टूवर्ड्स बिजनेस एज अ करियर ऑप्शन। क्योंकि पहले क्या होता था, कश्मीरी सोसाइटी में ये माइंडसेट होता था कि भाई आपको पढ़ना है, या तो इंजीनियरिंग या डॉक्टरी की डिग्री लेनी ही लेनी है, एंड उसके बाद गवर्नमेंट जॉब करना है। आप गवर्नमेंट जॉब ही कर दी ओनली, लाइक यू नो, लाइक इफ समबडी वुड से कि लड़का आपका क्या करता है, बिजनेस करता है, नहीं,
जॉब कौन सी करता है, मतलब गवर्नमेंट जॉब कौन सी करता है? सो इवन इफ यू आर अ बिजनेसमैन, इवन इफ यू आर डूइंग वेल फॉर योर सेल्फ, यू आर नॉट कंसिडर्ड एज समवन हु इज मेकिंग मनी अनलेस यू आर डूइंग अ गवर्नमेंट जॉब. लेकिन वो मेंटेलिटी अब चेंज होती जा रही है एज मोर एंड मोर न्यू एज पीपल आर गेटिंग इन टू न्यू एज बिजनेसेस. नाउ यू विल बी सरप्राइज टू नो कि अभी तक ओला उबर कश्मीर में नहीं आया, बट यंग ऑन्टरप्रेनर्स हैव स्टार्टेड देयर ओन वेरी हाईली एफिशिएंट जुगनू कैब्स, नोवा कैब्स. दे आर डूइंग सो वेल, कश्मीर के अपने ओला उबर हैं ये, एंड दे आर डूइंग सो, एंड बिलीव मी 2 मिनट के अंदर आपको कैब मिल जाएगी. सो यू डोंट हैव टू यू नो गो लुकिंग फॉर. आई एम एक्चुअली एडवर्टाइजिंग ऑल दीज बिजनेसेस, आई डोंट माइंड बिकॉज दे ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड आई होप दे डू वेल. लेकिन सच इज द टैलेंट इन कश्मीर, सच इज द स्विगी शुरू हो गया अब कश्मीर में बाय द वे. लेकिन उससे पहले देर वॉज वन का जी से नाम आता है, आई फॉरगॉट द नेम, विच वॉज द फूड डिलीवरी ऐप किसी ने स्टार्ट किया था स्विगी के आने से पहले. सो यू सी वी आर सो सेल्फ सस्टेनिंग इफ यू गो टू सी, एंड द गवर्नमेंट हैज डेफिनेटली हेल्प्ड एंटरप्रेन्योर्स, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन या सो आई विल फर्दर टॉक अबाउट दिस एज यू आस्क मी मोर क्वेश्चंस. सो इन्वेस्टर्स समिट, वेल आई डोंट नो, आई मीन इफ इट कैन हेल्प दीज internet based businesses is great, but if you talk about businesses on a larger scale, there are still a lot of problems. Okay, like for example, it's not easy for youngsters to get loans. It's not as easy as it was advertised. Whether you talk about KVIB, whether you talk about Mission Youth, people don't have any hope or faith in these kind of schemes. They say that yaar hum jab अप्लाई करते हैं तो एक नहीं दो दो गारंटर्स मांगते हैं लोन के लिए, फिर एक एक साल लग जाता है प्रोसेसिंग होने के लिए. सो पीपल हैव गिवन अप, दे डोंट हैव एनी होप फ्रॉम दीज काइंड ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स दैट हैव एडवर्टाइज्ड देमसेल्फ सेइंग कि वी आर ट्राइंग टू हेल्प द यूथ टू सेट अप देयर बिजनेसेस. देयर इज नो होप फ्रॉम देम. ओके, यूथ हैव नो, एब्सोल्युटली नो होप फ्रॉम देम. दूसरी बात ये कि फॉर बिगर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जैसे कि इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पिछले साल भी 28,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया था, लेकिन वो क्या हुआ, वो वापस चला गया. जहां तक मैंने सुना है एलजी साहब ने वो वापस भेज दिया सेंटर को. क्यों? अकॉर्डिंग टू हिम नोबडी वाज कमिंग फॉरवर्ड टू सेट अप इंडस्ट्रीज. व्हेन द प्रोसीजर ऑन ग्राउंड इज सो हार्ड, व्हेन यू नो देयर इज इतनी परमिशंस लेनी पड़ती है, इतनी लाइसेंसेस लेनी पड़ती है, इतना ये मतलब जब आपने you know ease of business को इतना मुश्किल करके रखा है, there is no ease of doing business, large scale business. So nobody wants to get into larger scale business जिससे अपना खुद का एक chamber of commerce हो, वो developed हो, अपनी खुद की industries हो. People don't even think at the moment. People are thinking of ठीक है, let's step into internet based businesses, but nobody is thinking of actually opening factories and all. In fact, जो factories थी वो तो shut down ही हो गई. जैसे हमारी थी ना HMT वॉच फैक्ट्री, हमारी मिल्क फैक्ट्री थी, ये सारी कुछ बंद ही हो गई बिकॉज पीपल डोंट हैव द एबिलिटी टू डील विद यू नो गोइंग टू सो मेनी गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड टेकिंग परमिशंस एंड लाइसेंसेज. एंड कभी ये छुट्टी पे होता है तो कभी वो छुट्टी पे होता है, कभी ये, मतलब टू मच इज गोइंग ऑन. आई थिंक दे शुड सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इन टू लार्ज स्केल बिजनेसेस. एंड थर्डली, the one thing that's really booming apart from tourism and apart from internet based businesses is the film making. Lekin unfortunately I don't see ke isse kashmiriyon ko zyada fayda ho raha hai. Isse bahar se jo aate hain filme banane ke liye, whether it's from south film industry or bollywood film industry se jo aate hain, inko fayde hain because the avenues have opened again for them to shoot in kashmir, kyunki beech mein sab band ho gaya tha because of you know conflict ridden kashmir ka jo ek mahol ban gaya tha burhan wani ke zamane ke time 2010 ke baad and all that, ye sab band ho gaya. In fact especially after the kashmiri pandit exodus hi hum keh sakte hain ki ye sab bahut badi tadad mein band ho chuka tha, kashmir mein shooting hona band ho chuka. Lekin film policy jab se announce kiya tha, jab amit shah sahab khud aaye the pehli baar after the abrogation of article 370, he and lg sahab ne milkar ye announce kiya tha film policy, and uske baad kya hai ki सो मेनी ऑफ देम, इनफैक्ट पिछले साल ही मोर देन 720 मूवीज वर शॉट, दैट इंक्लूड्स वेब सीरीज आल्सो वर शॉट इन कश्मीर. लेकिन आई डोंट सी हाउ कश्मीरीज आर मेकिंग मनी आउट ऑफ दिस. सो आई फील दैट इफ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन अ ह्यूज सॉर्ट ऑफ अ फिल्म स्टूडियो और समथिंग, यू नो जैसे एनटी रामाराव स्टूडियो है हैदराबाद का, समथिंग लाइक दैट अगर यहाँ पे बनाए तो आई थिंक इससे थोड़ा बहुत फायदा होगा. इट विल जनरेट सम जॉब्स,
यहाँ की लैंड वैल्यू बढ़ेगी एंड अ लॉट ऑफ सच थिंग्स कैन हैपन. राइट सो राइट. वो एक एक चीज, एक चीज इससे ये होती है, जो जो आप बता रहे हैं 700 मूवीज शूट हुई हैं, तो उससे एक पब्लिक परसेप्शन जाती है कि कश्मीर इज वेरी सेफ, टूरिस्ट कैन गो. दूसरी चीज, कश्मीर की नेचुरल ब्यूटी दुनिया के सामने आती है, तो मोर एंड मोर टूरिस्ट वॉन्ट टू गो देयर. तो ये एक है, और धीरे धीरे करके यू विल सी कश्मीर के इंडिजिनस जो आर्टिस्ट हैं, दे विल बी कमिंग अप. एंड क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी या वहां पे, सिनेमा हॉल बंद करा दिए गए थे. इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव अ फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन कश्मीर सो दैट यहाँ पर यहाँ के लोकल्स भी कैन गेट इनटू फिल्म मेकिंग. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ स्टूडियो वूडियो बन के हैं तो इट्स इजी फॉर देम टू गेट इनटू फिल्म मेकिंग. अगर उनको इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, एडिटिंग स्टूडियो वगैरह बन के, जैसे एन टी रामा राव स्टूडियो है वैसे अगर यहाँ पर बन के है, सो वी विल हैव अ थ्राइविंग कश्मीरी फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो होपफुली, यू नो. राइट. सो वी नीड बिफोर स्टफ लाइक दैट, दैट. या बिफोर दैट अ फिल्म फेस्टिवल इज नीडेड, तो उसके बाद जाके फिल्म स्टूडियोज बनेंगे, नो डाउट अबाउट इट. मैम, आप जितने ज्यादा स्टार्टअप्स बता सकती हैं बता दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स वंडरफुल दैट यू आर प्रमोटिंग देम एंड यू आर टेलिंग व्हाट द रियलिटी इज. अच्छा मैम, एक चीज कि व्हाई पाकिस्तान इज ऑलवेज सेइंग समथिंग वेरी डिफरेंट. पाकिस्तान की तरफ से हमें बिल्कुल अलग पिक्चर पता लगती है कि वहां तो कर्फ्यू लगा है, लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप छोड़िए रोजगार नहीं है. आप तो इतने सारे स्टार्टअप्स बता रहे हैं, कश्मीर में एंटरप्रेन्योर्स बाहर निकल रहे हैं, दिस इज, ये तो बहुत बड़ी रियलिटी नहीं है. पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को देखिए, जो लोग बिलीव करते हैं, जो लोग हु दोज हु लैंड एन ईयर टू देम, आई थिंक उनका इलाज करना चाहिए. बिकॉज ये एक ऐसी कंट्री है जिसने दुनिया भर में सिर्फ भीख ही मांगा है और कुछ इसका कंट्रीब्यूशन है ही नहीं. तो जब ऐसी कंट्री किसी दूसरे देश के बारे में कुछ भी बोलती है, हाउ इज द वर्ल्ड सपोज टू बिलीव इट ऑल्सो. पहली चीज तो ये, और उनके पास भी कश्मीर का एक हिस्सा है, जाहिर सी बात है दे आर अशेम्ड कि उस हिस्से की क्या हालत है और इंडिया का कश्मीर कहाँ से कहाँ जा रहा है. सो दे हैव टू पुट अप सच काइंड ऑफ नैरेटिव अगेंस्ट इंडियन साइड ऑफ कश्मीर सो दैट उनके अपने लोग जो उनके अपने साइड ऑफ कश्मीर में रहते हैं वो अपनी हुकूमत से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करें. क्योंकि देखिए, उनके पास एयरपोर्ट नहीं है, हमारे पास एयरपोर्ट है. उनके पास खाने के लिए आटा वाटा नहीं है. उनके यहाँ अपनी खुद की जो है अपनी खुद उनकी जो अपनी खुद की नदियां होकर भी चार चार दिन तक उनको लोड शेडिंग होती है. पहले 20 घंटे होती थी एक साल पहले तक, अब तीन तीन चार चार दिन तक इनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती. वेयर एज कश्मीर, कश्मीर में इतने सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं. पिछले साल ही आई थिंक दो पावर प्रोजेक्ट्स मोदी जी ने अनाउंस किए थे. उसमें कुछ 9.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गया है दोनों को मिला के. सो एंड एंड दे आर वट एवर इज सेड, वट एवर जिस भी चीज को यहाँ पे अनाउंस किया जाता है वो कंप्लीट भी हो जाती है, चाहे वो चिनाब वैली रेलवे ब्रिज हो या लद्दाख का टनल हो. एवरीथिंग वट एवर इज अनाउंस्ड इज ऑलवेज कंप्लीटेड. इट्स नॉट लाइक अनाउंस करके छोड़ दिया जाता है. सो दैट जस्ट शोज कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के आने से कश्मीर में जो विंटर में भी अगर हमको फॉर एग्जाम्पल 2-3 घंटे लाइट जाती थी दिन में बिकॉज ऑफ इट बीइंग विंटर एंड टू मेनी पीपल यूजिंग द हीटर, अब वो भी खत्म हो जाएगा वंस दीज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स आर रेडी. लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे सीपेक, वहां पे चाइना ने आके मंगला डैम बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी वजह से 10,000 फैमिलीज वहां से डिस्प्लेस हो गई. रोज बेरोज प्रोटेस्ट कर रही है एंड फाइनली इट केम टू सच अ पॉइंट कि दे स्टार्टेड अपोजिंग द सीपेक प्रोजेक्ट्स. वहां के जो लोकल्स हैं वो चाइना के प्रोजेक्ट्स को अपोज करने लगे क्योंकि ये कह रहे हैं कि इससे हमें फायदा नहीं, इनफैक्ट हम तो डिस्प्लेस हुए जा रहे हैं. तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट एल्स कैन पाकिस्तान डू. और दूसरी चीज, जो 2005 में अर्थक्वेक हुआ था पीओके में, अभी तक जो है उन घरों की, उन रस्तों की मरम्मत नहीं की गई है दैट वर हिट बाय द अर्थक्वेक इन 2005. अब पाकिस्तान किस मुंह से दुनिया के सामने जाकर बोलेगा कि इंडियन साइड ऑफ कश्मीर इज प्रॉस्परिंग, तो वो नहीं बोल सकता ऐसे. सो उनकी भी मजबूरी हमें समझनी चाहिए एंड हमें इंटेलिजेंट होना चाहिए. और हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि अगर कोई वेस्टर्न पावर्स या वेस्टर्न कंट्रीज हैं भी जो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को सच बताने की कोशिश कर रही है, ऐसे प्रिटेंड कर रही है कि उस तरफ ध्यान दे रही है, ठीक है ना, या जैसे कि जैसे एज इफ वो प्रोपेगेंडा कोई भी इंपॉर्टेंस रखता हो, तो वो भी इसलिए कर रही है क्योंकि उनके अपने कंट्री में इतने सारा मुस्लिम पॉपुलेशन है, शायद उनके वोट बैंक के लिए, उनको अपीज करने के लिए ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही है कि
कि भाई जो इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान बोल रहा है कश्मीर के बारे में, हम उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो इसके लिए वो भी तो हर एक का अपना अपना जो है मकसद होता है इसमें, अपना अपना मकसद होता है, एक गलत प्रोपेगेंडा को बिलीव करने के लिए भी एक मकसद होता है। जी राइट। मैम फाइनल क्वेश्चन, आप कुछ बोलना चाहेंगी राहुल गांधी से कि जो वहां पहुंचे थे और बर्फ से खेल रहे थे और अभी कुछ दिन पहले वहां स्कीइंग भी कर रहे थे, उनकी गवर्नमेंट जब थी, उनकी पार्टी की, तब सिचुएशन बहुत अलग थी, शायद कोई जा नहीं पाता था। एब्सोल्युटली, शायद मैंने आप ही के शो में पहले बोला था, जब मनमोहन सिंह आना चाह रहे थे, जब वो आए थे, इनफैक्ट उनके आने से एक दिन पहले, 2013 की बात है जब वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके आने से एक दिन पहले 6 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को एंड 5 सिविलियंस को मारा गया, और हिजबुल मुजाहिदीन ने खुद कबूल किया। उनकी मजाल देखो, कबूल भी करते हैं, हाँ हमने मारा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मेनलैंड इंडिया का कोई भी वजीर आला या हुक्मरान इस तरफ हमारी कश्मीर में आए, हम उनको वेलकम ही नहीं करते, तो आ ही नहीं सकते आप। तो तभी जब भी उनको आना होता था यहाँ पे, एक तरह की मुखालफत दिखाने के लिए लोगों को मारा जाता था, चाहे वो सिविलियंस हो या सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हो, ठीक है ना। और आज वो जमाना है जब जब राहुल गांधी आते हैं, खुद अपने साथ इतनी बड़ी पलटन लेकर आते हैं और उनके साथ लोग भी जुड़ते हैं, और हर जगह उनको तिरंगा वैसे ही दिख रहा है। ये बात नहीं है कि उनकी वजह से लोगों ने तिरंगा उठाया, उनके आने से 1 साल पहले से ही हर हर घर तिरंगा चल रहा है कश्मीर में। तो वो इतने आराम से आए, लाल चौक तक गए, वहां पे झंडा लगाया उन्होंने, वहां पे जन गण मन गाया, क्या ये उनको खुद को ये चेंज नहीं दिख रहा है? तो अगर वो मानते नहीं है कि ये चेंज किसकी वजह से, वो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन दुनिया को पता है कि ये चेंज किसकी वजह से, और उनके साथ जो लोग जुड़े भी थे, ये वो लोग हैं जो फॉर एग्जाम्पल मोदी गवर्नमेंट से शायद ना खुश होंगे, उनको लगा होगा कि मोदी गवर्नमेंट ने हमें प्रॉमिस किया था ये सब, हमें वो प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं हुए, तो जाकर उनके साथ जुड़ गए। लेकिन कम से कम जो लोगों ने डेमोक्रेसी की तरफ कदम बढ़ाया है, जो इंडिया की नेशनलिस्ट पार्टीज को वेलकम कर रहे हैं कश्मीर में, ये चेंज किसने लाया, ये मैं बता रही हूँ। ये चेंज तो डेफिनेटली मोदी गवर्नमेंट ने लाया है, स्पेशली एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद, जब कश्मीर के नेशनलिस्ट लोग मेरे जैसे, हमारे मुंह में जुबान आ गई, और हम लिटरली लाइक नाउ द नेशनलिस्ट वेव इज गोइंग ऑन इन कश्मीर। जी राइट मैम, राइट, थैंक्स।